और बेला बाबा नाम है अनंताचार्य जी महाराज और बेला बाबा प्रधानमंत्री संसद सहयोग कर रहे हैं। कितना सारा से कितना कोस्ट तक चंदा कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं लोग? 10 करवा रहे हैं। ये बाबा कहाँ से जा रहे हैं, मतलब कि जग जो करवाने वाले हैं? ये तो आरा से बिलोंग। आप लोग सुबह सुबह जब आपके घर पर अखबार आता होगा तो अभी कुछ एक दो महीने पहले से और अभी वर्तमान में आप लोग पेपर के आखिरी पेज या बीच पेज में जरूर देखते होंगे कहीं ना कहीं कोई प्रखंड में किसी गांव में महायज्ञ का जरूर चर्चा होता होगा। तो अभी बिहार के बहुत सारे प्रखंड में महायज्ञ हो रहा है। उसी प्रकार बेन प्रखंड के एक सारा पंचायत के एक सारा गाँव में भी महायज्ञ का कुछ दिनों के बाद आयोजन किया जाएगा। ऐसे अभी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं, ये आप लोगों को ये बजरंगबली यहाँ पर है मंदिर के सामने और यहाँ पे देवी स्थान है। पहले आप लोगों को यहाँ पे एक बाबा हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर महायज्ञ, तो अभी आज के डेट आज लगभग 5 तारीख हो रहा है बाबा, लगता है काफ़ी 10-15 दिन से मेरे को जैसा जानकारी है उसे यहाँ बाबा आए हुए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि महायज्ञ क्या होता है और महायज्ञ क्यों कराया जाता है गाँव में, और भी विभिन्न तरह का सवाल यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे गाँव के लोग भी हैं। महायज्ञ एक व्यक्ति कोई नहीं करवा सकता है क्योंकि इसमें जन मन और धन भी लगता है। तो तमाम सारे लोग यहाँ हैं, गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर इस जग को करवा रहे हैं। तो चलिए पहले बाबा साहब लोग को भेंट करवाते हैं जो कि इस गांव में काफ़ी दिनों से आए हुए हैं। प्रजा स्थान है रजरप्पा झारखंड में, जहाँ थाना है, प्रोजेक्ट है, सब GM ऑफिस है, सब पार्टी का कार्यालय है, 10,000 क्वार्टर है, उसी प्रोजेक्ट में पठवा हनुमान मंदिर है। अच्छा। वहीं रहना सहना अलबेला बाबा नाम है अनंताचार्य जी महाराज और बेला बाबा। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 6 मंदिर बना करके 16 जग किए। जन्मभूमि स्थान आरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ निगोचिए से जग कर रहे हैं, आज तक ले जग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे महायज्ञ हो गया, महायज्ञ का अर्थ क्या है? मतलब बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो महायज्ञ का अर्थ नहीं समझते। महायज्ञ माने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा हवन प्रवचन, वृंदावन से रासलीला, मौत कुआँ, झूला, मीना बाजार, यही जो समूह जुड़ता है एक दूसरे से, एक दूसरे को मेल होता है उसी को मेला कहते हैं। और महायज्ञ है जथा से जथा, एगो राजा एगो महाराजा। हाँ, तो इसी प्रकार से अभी बाबा बिहार के अलग अलग गांव में महायज्ञ हो रहा है। महायज्ञ कराने से क्या मतलब क्या यज्ञ कराने से सृष्टि का जग ही से उत्पत्ति है, और इस जग करने से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अवतार हुआ यज्ञ से हविष से। और जग नहीं हो तो धुआं जो वायुमंडल में शुद्ध करता है, हवन का धुआं जाता है वायुमंडल को शुद्ध करता है, उससे बादल बनता है, उससे वृष्टि होता है, वृष्टि अच्छा होता है तो अच्छा अन्न उत्पन्न होता है, अच्छा अन्न उत्पन्न होता है तो हमारे जीव में अच्छा मन बुद्धि विचार बनता है। अभी हम ग्राम एकसारा में आए हुए हैं और बाबा जानते हैं कि ये कब से यहाँ पे जग होने वाला है और जग में क्या 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 दिखाया जाएगा और क्या क्या उसका समय सारणी रहेगा? यहाँ बक्सर और बनारस से आचार्य आ रहे हैं और श्री चंडी जग का यज्ञ होने 15/6/2022 से 21 तारीख के पूर्णाहुति है। संत महात्मा का विदाई है, भंडारा है, और इस कार्यक्रम में 6 सुबह 6 बजे से 7 बजे तक ले मंगलाचरण होगा। इसके बाद मंडप पूजन होगा और 15 तारीख के यहाँ संत बाबा के कुटीर से जलभरी जल यात्रा का शोभा यात्रा का समय रखा गया है 7 बजे से। यहाँ ढोल गाजा बाजा के साथ सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, जिलावासियों से आग्रह है कि सभी लोग अपना नया नया वस्त्र पहन करके भगवान के शोभा यात्रा में, मंगल यात्रा में शामिल हों। कहाँ से लाया जाएगा बाबा? संत बाबा के कुटीर से, यहीं संत बाबा का कुटीर है एकसारा में दक्षिण साइड में, वहीं से जल भरी होगा। और यहाँ पे बाबा ये कह रहे हैं कि जैसे कि गांव में बहुत सारे लोग अभी इस गांव में आप आए होंगे, आप इस गांव में आसे पहले भी कभी जग करवाए होंगे, तो आसे कितना साल पहले यहाँ जग हुआ होगा? यहाँ 17-18 वर्ष पहले ब्रह्म स्थान में जग कराए हैं, रसलीला कराए हैं, यहाँ मिचाईगंज महम्मदपुर में मंदिर बना के जग किए हैं, सकरोड़ा में जग किए हैं, खरजामा में जग किए हैं, सैदपुर में जग किए हैं, बेले बलवा पर जग किए हैं, यहाँ कुल्हुआ लारनपुर में जग किए हैं, बिहार शरीफ स्टेट में मंदिर बना के जग किए हैं,
पावापुरी बिरौटी में मंदिर बना के जग किए हैं, राजगीर में जग किए हैं, वहाँ बलगंगा में जग किए हैं, परबलपुर बाजार में जग किए हैं, गदाई। ये बाबा ये कहाँ से आ रहे हैं बाबा जो जग करवाएंगे? बक्सर से, बनारस से लोग आ रहे हैं। जगकर्ता महात्मा तो हम ही हैं। अच्छा अच्छा। और विद्वान बक्स सुमित्रा देवी आ रही है और वृंदावन से रासलीला भगवान का कार्यक्रम होगा। तो आप देख सकते थे तमाम सारी आपको जानकारियाँ देखने को मिला होगा। मैं छोटी सी कहानियाँ से बताता हूँ। 15 तारीख को जग स्टार्ट होने वाला है, समाप्ति 21 तारीख को होगा और जो कलाकार हैं जो कृष्ण लीला करेंगे वो वृंदावन से और आचार्य हैं जग नारायण मिश्र बक्सर से आ रहे हैं और बनारस से दो चार गो ब्राह्मण लोग आ रहे हैं और कुछ आरा से होंगे, कुछ यहाँ के लोकल ब्राह्मण हैं। 9 ब्राह्मण के साथ एक कुंडीय जग 7 दिवसीय महाभव जग सचंडी जग का आयोजन रखा गया है। तो तमाम सारी जानकारियाँ आपको बाबा से मिल गया। आप कुछ गांव से गांव वाले को लोग से जानकारी लेते हैं, वो लोग कितना उत्सुक हैं इस महायज्ञ को। आप आपका क्या नाम हुआ सर? नाम तो सोनू कुमार हुआ। आप इस महायज्ञ में कैसा सहयोग कर रहे हैं कि किस तरह का? सब तरह के सहयोग हम लोग कर रहे हैं। मतलब कि किस तरह का? जन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इनका कहना जन मन धन से कर रहे हैं और लगना रहना चाहिए। मैं एक गांव पे गया था, इस चर्च की कहानी को मैं चर्चा कर दूं। वहां पर मैं कल देखने गया था महायज्ञ, लेकिन एक दो बंदे कह रहे थे कि पूरे गाँव के साथ समर्थन से नहीं हो रहा है, कुछ लोग जो है युवा वो कर दिए। तो हमको कहना है कि आज ये ग्राम इकसारा में 15 तारीख से होने वाला जग है, तो सारे लोग जैसा ये भाई साहब कहें कि जन मन धन से करना है, तो सारे लोग जितने भी युवा हैं ग्राम इकसारा को बढ़िया से महायज्ञ हो। और जो लोग देखने के लिए आए यहाँ पे बाहर से देखने के लिए, वो बोले कि हाँ इकसारा में महायज्ञ हुआ था। और भी लोग हैं जो कि बूढ़ा बुजुर्ग हैं, उनसे सवाल पूछ लिया जाए। क्या नाम हुआ बाबा आपका? बलराम प्रसाद। कितना उम्र हो गई लो अपने के? 75। आपने इसे से पहले का यह जग होला गाँव में होलो कहियो? हाँ। कब होलो अपने के याद? हम से दो तीन गो जग देखा। तीन गो जग देख ले लिया अपने को? हाँ। तो ये कितना साल के बाद जग हो रहा है? तो 18 साल के बाद भी बाबा देख सकते हैं काफ़ी एजेड इंसान है और दो तीन बार। और मैं ऐसा एक गांव में भी गया जैसे कि हमारे वहां पे कोई रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि हम तो जग यहां पे देखे नहीं कि कब हुआ था, लेकिन हमारा एक सारा का एक ऐसी अच्छा है कि भाई यहां पे हर एक 10 साल पे या 15 साल पे जग होते रहता है और इसमें छोटा मोटा अमाउंट नहीं लगता, बहुत खर्चा होता है। और भी हैं, क्या नाम हुआ आपका? मुखिया जी। मुखिया जी का आप ये बताइए कि गांव में युवा का कैसा समर्थन है? पूरा बढ़िया समर्थन है, पूरा गांव का पूरा सहयोग कर रहा है। पूरा सहयोग करिए ना। अभी हम देखे कि यहाँ से चंदा कलेक्शन से कहाँ गए थे लोग चंदा कलेक्शन करने के लिए? वह गया था उधर धरमपुर हला, बिरजपुर हला, यही सब लोग गया था। ग्राम एक सारा से कितना कोस तक चंदा कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं लोग? 10 कोस, 5 कोस, 2 कोस, 4 कोस। देख सकते हैं 10 कोस 5 कोस, मतलब कि सोच लीजिए एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो सोच लीजिए 10 कोस लोग चंदा कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं और अपना समय इसमें दे रहे हैं ताकि कार्यक्रम को भव्य कर सकता है। जितने लोग जैसे भी हो रहा है सब लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं और चाहते हैं कि भव्य वहाँ पर हो। एक हमारे बाबा भी हैं, इनसे भी थोड़ी सी जानकारियाँ लेंगे क्योंकि काफ़ी जानकारी रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका बाबा? सर्वन पांडे। तो आप इस गाँव में कितने साल से देख रहे हो, कितना जग देख चुके होंगे अपने उम्र के हिसाब से बाबा? 2-4-5 जग देख चुके हैं। अच्छा, तो ये जो जग जो करवा रहे हैं ये बाबा कहाँ से जा रहे हैं, मतलब कि जग जो करवाने वाले हैं? ये तो आरा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आरा से बिलोंग करते हैं। और क्या क्या इसके पहले 17 साल पहले बुढ़वा ब्रह्मथान में यही अलबेला बाबा जग करवाए थे। अच्छा अच्छा, ये इस जग में क्या क्या कार्यक्रम में व्यवस्था है? जग में व्यवस्था है कि जग होगा, जगशाला भी बन रहा है, बाबा का रहने का स्थान है, प्लस वृंदावन से रासलीला के लिए आएंगे, वो 15 तारीख से 21 तारीख तक कार्यक्रम है उनका, 7 दिन का यह कार्यक्रम होगा। अभी एक मंदिर बन रहा है बाबा, तो ये जो क्या बोलते हैं सरकारी फंड से बन रहा है या कि? नहीं नहीं, ये तो ग्रामीण लोग बनवा रहे हैं, ये तीन तरफ ही वो सारा था, तो चौथे तरफ वो सारा राउंड फिंगर में वो सारा होना चाहिए। कल के डेट में किसी का बाल बच्चा हुआ, किसी का नौकरी हुआ, खुशी हुआ, तो अखंड अखंड का मतलब होता है राउंड फिगर में होता है, ऐसा नहीं कि रिटर्न होता है। पंचकर्मा करने के लिए इसलिए उधर नहीं बना हुआ था तो तोड़ करके और पश्चिम साइड में वो सारा बनाने का कार्यक्रम किया गया। तो ये महायज्ञ तो हर एक साल 10-15 साल पे हो रहा है बाबा, आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं इस महायज्ञ को लेकर? आप
युवा का देखना, युवा को संदेश यही देना चाहते हैं कि हर कोई धर्म के प्रति आस्था रखे। धर्म में ही बहुत बड़ी शक्ति है और यह शक्ति पढ़ने लिखने, बलिष्ठ होने और किसी भी बिजनेस में उसका काम आएगा। हर जहां कहीं भी आप देखते होंगे, दुकान खोलने से पहले झाड़ू देते हैं और उसके बाद आरती मंगल देते हैं। इसका मतलब सबसे पहले भगवान, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। सृष्टि की रचना जो है भगवान के द्वारा ही हुआ है, इसलिए वो है तो हम हैं, जब वो नहीं तो हमें नहीं, हमारा कोई कीमत नहीं है। यदि हैं तो सब ठीक है, नहीं है तो कुछ नहीं। आपका क्या नाम हुआ फिर से एक बार? सरवन पांडे नाम है मेरा। आपका गांव एकसारा ही हुआ? हाँ, ग्राम पोस्ट एकसारा। तो ये बाबा थे जो कि ग्राम एकसारा से थे, युवा को एक बहुत काफी अच्छा संदेश दे रहे थे कि अपने धर्म के प्रति जागरूक होइए, धर्म को आगे बढ़ाना है, सबसे पहले आपका धर्म ही श्रेष्ठ है। तो चलिए थोड़ा सा मंदिर दिखा देते हैं, बाकी तो देवी थान स्थान मंदिर सभी एक ही गाँव जैसा ही होता है, तो फिर भी एक बार आप लोग को दर्शन करा देते हैं, बाकी फिर आप लोग को व्यवस्था उधर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे पांच पिंड है गांव में, जैसा गांव में देखते हैं देवी थान का जो मंदिर होता है, पांच पिंड है, देवी माँ का पिंड है। और थोड़ा सा मंदिर जो बन रहा है उसको हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये पीछे पंचकर्मा करने के लिए, से जाने के लिए पंचकर्मा करने के लिए जो गांव में जो महायज्ञ हो रहा है और गांव में जो कलेक्शन आ रहा है उसी से ये गांव का जो मंदिर है देवी थान वो बन रहा है। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग अब दिखा देते हैं व्यवस्था की, किस तरह का व्यवस्था अभी यहाँ पर हुआ है व्यवस्था। तो आप देख सकते थे अभी मंदिर आप लोग को अंदर से दिखा रहे थे, बाहर से देखिए अभी काम लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो ये अभी मंदिर बन रहा है। और आप लोग आप दिखाते हैं कि बाबा का रहने सहने के लिए क्या व्यवस्था बना है। ये आप देख सकते हैं जो बाबा जो आएंगे बाहर से आएंगे, जो कि जहाँ से आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग को बाबा बताएं कि वृंदावन से और अयोध्या से और बक्सर से आने वाले जो बाबा है इसमें रुकेंगे। और अब जो महायज्ञ होगा उसका थोड़ा दृश्य आप लोग को दिखा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये भी कह रहे हैं कि दो तीन मंजिल बनेगा उसके ऊपर भी, तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य रहेगा जब बन के तैयार हो जाएगा। तो आप लोग को एक बार हम 15 तारीख को बन के तैयार हो रहा है, तो इसलिए आप लोग को आने के लिए कह रहे हैं कि अभी बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही लोग यहाँ गांव के जो एक सारा है बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि बहुत ही तमाम लोग दम बढ़िया से हो, लोग आए दूर दूर से देखने के लिए। और ये आप लोग को पंडाल दिखा देते हैं, पंडाल में भी बांस लग के तैयार हुआ है, काफ़ी दूर तक है, ये स्टेज बन रहा है आप लोग को दिखा रहे होंगे, ये स्टेज है। और पीछे आप देख सकते हैं कम से कम 40-50 फीट तक, मतलब कि 30-40 फीट तक दर्शक को बैठने के लिए स्टेज भी काफ़ी खूबसूरत बन रहा है। फिर से बाबा से पूछ लेते हैं ताकि आप लोग भी अगर कहीं महायज्ञ करवाना होगा तो आप बाबा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और एक लिस्ट है जो बैनर बना है वो बैनर आपको लगा देंगे। और अगर बाबा किसी को सहयोग करना है तो किस कैसे सहयोग करेंगे, मतलब कि मोबाइल नंबर से या? हाँ, मोबाइल नंबर है 62-62-047-44-632। नंबर एक बार फिर से बोल दीजिए बाबा। 62-047-44-632। तो ये नंबर पे अब किसी को किसी तरह का कोई बात करना है या मतलब कि सहयोग करना है तो इन बाबा से कांटेक्ट कर लीजिए, और किन्हीं को महायज्ञ करवाना है इसके रिगार्डिंग में बात करना है तो बाबा से जरूर कांटेक्ट कीजिए। लास्ट में यही कहेंगे कि काफ़ी दिनों के बाद एक सारा पंचायत में महायज्ञ हो रहा है, सभी लोग जन मन धन से और पूरा तरह से सहयोग कीजिए ताकि लोग देखने के लिए जो आए वो तारीफ करें कि हाँ एक सारा में गए थे तो महायज्ञ हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। कैमरे के पीछे है संटू, और फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल और दूसरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।